हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने वीडियो के नीचे कमेंट किया है, उनका नाम है शाहीन राजा जी। वो पूछते हैं अंडों को कहाँ बेच सकते हैं, जैसे हमारे पास 200 बर्ड्स है तो इतने अंडे कहाँ बिकते हैं। इनके कहने का मतलब है अगर हमारे पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो उनसे मिलने वाले अंडे की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, तो लार्ज क्वांटिटी में जब हमारा प्रोडक्शन होता है तो हम उन अंडों को कहाँ बेचें, हमें मार्केट कहाँ मिल सकता है। ठीक है ना, 1000 अंडे 2000 अंडे 500 अंडे अगर आपके डेली के प्रोडक्शन होता होगा तो उतने अंडे हम कहाँ पर बेचे। तो आज के स्टूडियो में आपका ऐसे 7 से लेकर 8 जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर आप बड़ी आसानी से लार्ज क्वांटिटी में अंडों को सेल कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के लिए एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ईबुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज़ है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जहाँ पर आप लार्ज क्वांटिटी में अपने अंडों को बेच सकते हो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में। यार दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल ऑनलाइन का हो गया है, आपको ऑनलाइन मार्केट में कौन सी ऐसी चीज़ नहीं मिलती बताओ ना। हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाती है। जैसे कि आप अमेजॉन का पोर्टल देख रहे हो, यहाँ पर एक पर्सन ने 650 रुपये में कड़कनाथ के 12 अंडे सेल कर रहा है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आपको वो फोटो दिख रहा होगा। मतलब 650 रुपये में 12 अंडे का मतलब होता है 54 रुपये से लेकर 55 रुपये के आसपास में। इसी पर्सन की तरह आप ब्राउन एग्स, देसी मुर्गियों के अंडे आप बड़ी ही आसानी से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट बेच सकते हो। आज से आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, आने वाले जो भी 1 से लेकर 1.5 साल में बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में जो भी कस्टमर्स होते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल से प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। डिजिटल का जमाना आ चुका है, तो आज से आप ये बिजनेस स्टार्टअप कर दो। 100% 1 से लेकर 1.5 सालों में आपका जो सेल आज 10 या फिर 20 क्वांटिटी में हो रहा है वही 200, 300, 2000, 3000 क्वांटिटी में होगा 100%। पॉइंट नंबर 2, हॉस्पिटल में आप अंडे को बेच सकते हो। या दोस्तों, जो भी हॉस्पिटल बोन फ्रैक्चर के होते हैं वहाँ पर आप जाकर विजिट कीजिए, उनका जो भी मैनेजिंग स्टाफ होता है या फिर डायरेक्टली डॉक्टर लोगों से कंसल्ट कीजिए, उनको बोलिए हमारे पास देसी मुर्गियों के अंडों का प्रोडक्शन होता है, तो हम जो भी आपके बोन या फिर फ्रैक्चर एक्सीडेंट वाले जो लोग होते हैं उनको हमारे अंडा खाने के लिए सजेस्ट कीजिए। हालांकि फ्रैक्चर वाले, मतलब जो भी बोन फ्रैक्चर वाले लोग होते हैं उनको खुद ही जो डॉक्टर लोग होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप देसी मुर्गियों का अंडा वगैरह खाइए करके, तो डायरेक्टली आप उनसे जाकर बात कीजिए, उनसे जाकर कंसल्ट कीजिए। 100% आप उनको अपना विजिट कार्ड दे दीजिए, श्योरली जो भी मैनेजिंग स्टाफ होगा जिनका भी बोन फ्रैक्चर वगैरह हुआ होगा वो खुद ब खुद उनको सजेस्ट करेंगे, तो यहाँ से भी आपको अच्छे खासे मात्रा में अंडे सेल हो सकते हैं, वो भी ज़्यादा दाम में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा दाम में। पॉइंट नंबर 3, जिम में आप जाकर अंडे को मार्केटिंग कर सकते हो। आपको तो पता है जो भी पर्सन जिम करता है वो अपने खुद का डाइट का कितना ध्यान रखता है, उनको हाई लेवल प्रोटीन, हाई लेवल एनर्जी के सोर्स ही चाहिए होते हैं। ऊपर से मार्केट में देसी अंडों का मार्केट है लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के वजह से जिम वाले लोगों को चाहिए होता है देसी अंडा लेकिन उनको मिल नहीं पाता। बस आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए, वहाँ पर प्रॉपरली सफ़ेद अंडा और देसी अंडे के बीच में क्या फ़र्क होता है इसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, कितना मात्रा में प्रोटीन है, कितने मात्रा में फैट है, कितने मात्रा में किलो कैलोरीज है, इनका एक प्रॉपरली ब्राउजर पे सर्च करके स्पेसिफिकेशन लिखवा दीजिए और वहाँ पर जाकर उनको एडवर्टाइज करा दीजिए। उनका जो भी एक जिम का ओनर होगा उनसे बात कीजिए, वो खुद ब खुद जो डाइट प्लान बताते हैं जिम वाले लोगों को, तो वो खुद ही बर खुद उन लोगों को सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आपको 5 से लेकर 6 किलोमीटर दूरी के अंतराल पर पोल्ट्री फार्म है, यहाँ से आप देसी मुर्गी के अंडे ले सकते हो, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑर्डर्स मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, किराना दुकान पे आप अंडे को बेच सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए किराना दुकान पे अगर आप उनको बोलेंगे भैया मैं तुम्हारे को 6 रुपये से लेकर 7 रुपये में अंडा देता हूँ, आप 8 रुपये में बेचो, तो वो किराना दुकान वाला आपसे अंडे नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट का उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मेरा माल बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा। किराना दुकान वाले वही माल रखते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में बिकता हो माल। तो आप उनको जाकर बोलिए मैं आपको 200 से लेकर 300 अंडा आपको 7 दिन के साइड पर देता हूँ, अगर आपके अंडे बिके
तो आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, और अगर आपके अंडे नहीं बिके तो आप मुझे अंडे वापस कर दीजिएगा 100%। अगर आप उसको होलसेल रेट में अंडे देसी का दे रहे हो, ठीक है ना, मतलब जो भी देसी का, मतलब ओरिजिनल देसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देसी क्रॉस की ब्रीड भी, जो भी पोल्ट्री फार्म हम मुर्गियां पालते हैं, डीपी क्रॉस, आरआईआर, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, BB380, इनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इनका प्रोडक्शन अंडों का काफी अच्छा होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट 4-5 रुपए के आसपास में हो जाती है, तो आप आराम से 2-3 रुपए के आसपास में प्रॉफिट मार्जिन कमा लेते हो। तो 6-7 रुपए में जब आप देसी मतलब के अंडे दे रहे हो किराना दुकान वाले को, उनको बोले आप 1 रुपए की प्रॉफिट मार्जिन रख के दूसरे को बेच दीजिएगा, क्योंकि तो जो भी सफेद अंडे होते हैं उनमें उनको जब 50 पैसे के ऊपर में प्रॉफिट मार्जिन नहीं होती, तो ऐसे में अगर वो देसी मुर्गियों के कलर अंडे को 1 रुपया मार्जिन करके बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है ना। अगर आप 7 रुपए में उसको अंडा दे रहे हो किराना दुकान वाले को, अगर वो 8 रुपए में बेच रहा है, तो बड़े ही आसानी से लोग आपका जो भी देसी मुर्गियों का अंडा होता है वो किराना दुकान से लेंगे ही लेंगे, क्योंकि आज तो 5 रुपए अंडा ही सफेद वाला मिल रहा है ना। तो ऐसे में अगर उनको 8 रुपए में अवेलेबिलिटी करा के दे रहा है किराना दुकान वाला, तो बड़े आसानी से किराना दुकान वाले से वो अंडे लेके चले जाएंगे बहुत सारे कस्टमर्स। तो ऐसे में क्या होगा, स्टार्टिंग में आप उनको 7 दिन की साइड दीजिए, धीरे धीरे जैसे किराना दुकान वाले का माल सेल होते जाएंगे वो खुद ब खुद आपको बोलते जाएंगे भैया मेरे को 400, 500, 600, 700, 1000 अंडे सप्ताह के चाहिए, और कैश पेमेंट भी करना वो चालू कर देगा। तो इस तरह से आप किराना दुकान वाले को भी मार्केटिंग करके माल सेल आउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, मेट्रो सिटी में जो डीमार्ट, बिग बास्केट, बिग बाजार, इन जैसे जो दुकान होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, यहाँ पर भी आप अपने माल को सेल आउट कर सकते हो। या दोस्तों आप ऑनलाइन में जाइए, उनके कस्टमर केयर का नंबर निकालिए, कस्टमर केयर से बात कीजिए, 100% ये डीमार्ट हो गया, बिग बास्केट हो गया, बिग बाजार, इन सभी के एक सेलर अकाउंट होते हैं, सेलर अकाउंट में जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिए, और डायरेक्टली आप यहाँ पर अपने ऑनलाइन के दुकान में, जो भी मॉल होते हैं, बिग बास्केट होता है, बिग बाजार में होता है, आप अपना सेलर अकाउंट के थ्रू अपने अंडे बेच सकते हो। पॉइंट नंबर 6, साप्ताहिक बाजार में आप अपनी देसी मुर्गी के अंडों को बेच सकते हो। यार तो साप्ताहिक बाजार में क्या होता है, जो भी एक तहसील लेवल का गांव होता है वहां पर बाजू बाजू के बहुत सारे गांव के लोग सप्ताह में एक दिन जो बाजार होता है उसमें बहुत सारे लोग बाजार करने के लिए आते हैं। ऐसे में वो एक ही दिन वो बाजार में 6 से लेकर 10 हज़ार तक के लोग विजिट करते हैं। तो ऐसे में क्या करना है आपको, वो सप्ताह में जो एक दिन होता है वहां पर अपने अंडों को लेकर जाकर सेल करना है, 100% आपकी वहां पर बहुत ज्यादा सेल होगी, ये लिखवा लो मुझसे। पॉइंट नंबर 7, व्हाट्सएप प्लस फेसबुक पे जो पोल्ट्री ग्रुप होते हैं वहां पर आप अपनी पोस्ट डालिए, हो सके तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपने खुद का तहसील लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का अंडों का एक ग्रुप बनाइए, वहां पर लोगों को ऐड कीजिए, आपके एरिया के लोग वहां पर आपके अंडों की पोस्ट देख के आपसे अंडे जरूर लेंगे, 100% ये मेरी श्योरिटी है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 8, हैचरी या फिर इंक्यूबेटर बिजनेस जो करते हैं आपके आजू बाजू में 400, 500, 1000, उनके पास खुद का पेरेंट स्टॉक नहीं होता, 50% लोगों के पास खुद का पेरेंट स्टॉक है तो 50% लोगों के पास खुद का पेरेंट स्टॉक नहीं है, तो ऐसे में आप उन लोगों से भी बात कर सकते हो। आप अनफर्टर अंडों का प्रोडक्शन कर ही रहे हो तो उनमें जो भी है 5 मुर्गी या फिर 10 मुर्गी के पीछे एक मुर्गा रख के फर्टर अंडों का प्रोडक्शन करो। तो इस तरह से आपको एक बार इंक्यूबेटर मशीन वाला ऑर्डर देना चालू कर दिया तो हर सप्ताह में उसको 1000, 2000, 3000 अंडे लगते ही लगते हैं।